वेलकम एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं थिंग्स मेड इजी। आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जान लीजिए कि जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं या पहले कभी मैंने बताई हैं और बताऊंगा, वो ट्रिक्स आपको यूट्यूब पर तो कहीं मिलने वाली है नहीं, ये तो फॉर श्योर है। और आप किसी कॉम्पिटिशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स, इंग्लिश ग्रामर वगैरह ये सब मैंडेटरी होता ही है, लगता ही है। तो अगर आप को आगे चल के कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, एग्जाम्स वगैरह देना चाहते हैं, उसमें टाइम बचाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगेंगी ही लगेंगी। और उसके लिए मैंने अपना चैनल बनाया है ताकि मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करता हूँ वो हर जगह पहुँचा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज की हमारी जो पहली शॉर्ट ट्रिक है उसका नाम है स्लाइड अप एंड डाउन। तो स्लाइड अप एंड डाउन, तो ये ट्रिक हमारी क्या है, स्लाइड अप एंड डाउन ट्रिक में ये है कि इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, आइडेंटिटीज नहीं कह सकते आप किसी भी, जैसे कोई सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 52 माइनस 19 आपको करना है। इसे करने का तरीका कुछ अलग सा है, इसे करने में आप कैरी लेंगे, क्रॉस करेंगे, वो करेंगे करेंगे, इससे बढ़िया एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। स्लाइड अप एंड डाउन क्या होता है, इसमें जो स्टेप वन होता है क्या है, इसमें ये आपको 52 माइनस 19 दिख रहा होगा यहाँ पे, तो जो नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है यानी आपको 19 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो स्टेप वन होगा राउंड ऑफ द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। ऐसा क्यों, राउंड ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पे राउंड ऑफ का मतलब उसे आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक ऐसे नंबर में लाना होगा जो जिसका सब्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत इजी है। कैसे, जैसे कि 19 है, 19 में अगर मैं प्लस 1 कर दूँ तो मेरा 20 आंसर आता है। अब जब मैंने 19 में प्लस 1 किया 20 आ गया, तो अब जो 20 नंबर आया इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना ईजी है, बल्कि 19 के कंपैरिजन में मैं 19 ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा गलती हो सकती है, पर मैं 20 ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये है, इससे आपने सबसे पहले स्टेप में द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड को राउंड ऑफ कर लिया है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ईजीएस्ट नंबर में। अब जो हमारा स्टेप टू जाता है, स्टेप टू क्या है, स्टेप टू अपना है ऐड और ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर यू डिड इन द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इतने बड़े बड़े लिख रहा हूँ, ये आपको ज़रूरत काम आने वाले हैं। तो स्टेप टू क्या कहता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर यू डिड द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो अब क्या है, स्टेप टू में आपको ले लेना है पहला वाला नंबर जो था 52 जो हमने छोड़ दिया था अभी। अब आप देख सकते हैं मैंने 19 में प्लस 1 किया 20 आ गया है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, तो जो नंबर मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड में वही सेम नंबर मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल नंबर में से, यानी 52 यहाँ पे ओरिजिनल रख लेते हैं क्योंकि उसी में से पूरा जा रहा है। तो जब मैं 52 प्लस 1 रख दूंगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 53। अब स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री तो सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करना है, कैरी आउट नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करना है। जो दो रिजल्ट्स आए हैं, एक आया है 53, माइनस करेंगे हम इसमें से 20, आंसर क्या है 33, ये आ गया हमारा आंसर। ये ट्रिक कोई ज़्यादा बढ़िया या फिर कुछ बहुत ऊंची वाली ट्रिक नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं जो लोगों को पता नहीं था, लोगों को ये चीज़ पता होती है कि इसे ऊपर नीचे करके कर सकते हैं पर वो दिमाग नहीं चल पाता कभी कभार, तो वही मैं लेके आया हूँ
वही मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में, सोच विचार किया, तब मुझे समझ में आया है कि किसी सब्ट्रैक्शन को ईजर वे से करने के लिए ऐसे भी किया जा सकता है। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑब्वियसली एग्जांपल टू में मैं थोड़ा फास्ट करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल है हमारा 84 माइनस 68। यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल टू एंड टू डिजिट के एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि ये ट्रिक बेस्ट है टू डिजिट नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर इससे थोड़े बड़े लेने हैं तो हो तो जाएंगे पर प्रॉब्लम देंगे, इसलिए मैंने सोचा ये बेस्ट आइडियल ट्रिक है ये टू डिजिट के नंबर्स के लिए। तो अब हम इस ट्रिक को भी कैरी आउट करते हैं। तो इसका स्टेप वन होगा सेकेंड वाले को राउंड ऑफ करना अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। तो इसे मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 68 प्लस 2 जो देगा मुझे 70। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप वन। स्टेप टू है सेम नंबर हमें इस वाले में ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो भी हमने किया है। अब 84 ये भी सेम नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 86। ठीक है, 84 86, ये हमें दो अब हमारे डिजिट्स मिल चुके हैं। अब जो दो डिजिट्स मिले हैं उनमें हमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करना है। तो 86 में से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 70 को, बचेगा 60। तो ये आ गया है आंसर। देख सकते हैं आप, बहुत जल्दी आंसर आ चुका है। और ये ट्रिक कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन जो करते हैं उसके बदले में करेंगे आप ये वाली ट्रिक, आपको फॉर श्योर सक्सेस मिलेगी और आप इसे बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ट्रिक्स बहुत बार देखने के लिए। और ऐसे ही नहीं, इससे बहुत धमाके धमाकेदार ट्रिक्स आएंगी आपके लिए, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आएंगी। नहीं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ चार ऑपरेशन है उन पर ही आएंगी आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है वो क्या है, जो सेकेंड ट्रिक है वो है चूजिंग अ नाइस मिडिल नंबर, या फिर चूज अ नाइस मिडिल नंबर। ये है हमारी सेकेंड ट्रिक। तो ये क्या है चूज अ नाइस मिडिल नंबर। तो कोई भी आपको जैसे सब्ट्रैक्शन मिला है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए आपको सब्ट्रैक्शन मिला है 2008 माइनस 1979, और ये आपको कैरी आउट करना है। ये कैरी आउट करने में दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप नॉर्मल कैलकुलेशन से करते हैं तो भी हो ही जाता है, लेकिन इस ट्रिक से ये आपको ईजिएस्ट वे में हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो दो नंबर्स दिए हुए हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर्स में आपको कन्वीनियंट हो। मतलब मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे आप दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सको, सिंपल है। तो मैं इनके बीच में ले लेता हूँ 2008 और 1979 के बीच में आता है ऑब्वियसली आता है। अब ये मैंने क्यों चुना, ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि जो भी मैं ऑपरेशन करूँगा 2000 पे रिलेटेड टू 1979 एंड 2008, ये दोनों ईजी होंगे बहुत करने में। क्योंकि अगर मैं 2008 माइनस करूँगा 1000 में प्लस करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा आंसर जो आएगा बहुत ईजीली आ जाएगा। इसलिए मिडल नंबर हमें चूज़ करना है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, नाइस मिडल नंबर, मतलब जो हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से हमें अच्छा लगता है वो मिडल नंबर आपको चूज़ कर लेना है। अब चूज़ कर लिया है आपने, ये तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, जैसे आपने एक मिडल नंबर चूज़ कर लिया है, अब आपको क्या करना है, एक स्टेप्स तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर, जो मिडिल नंबर आपका चूज है उसे आपको दोनों डिजिट्स में से माइनस करना है। मतलब एक जो 2008 है, एक तो ये है, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा आपका मिडिल नंबर जो आपने चूज़ किया वो है 2000, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, आ जाएगा आपका 8। ठीक है, और सेकंड बात क्या है, 2000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 1979। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर आ जाएगा आपका 21। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को कि दो नंबर्स के बीच में एक मिडिल नंबर हमने चूज़ कर लिया है और उन दोनों नंबर्स को हमने मिडिल नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है।
अब कुछ लोगों के मन में जो नेक्स्ट स्टेप है वो खुद क्लिक कर जाएगा कि हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है, यानी ऐड द रिजल्ट्स, जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं उन्हें हमें कर लेना है ऐड। तो 21 + 8, ठीक है, 29 आंसर है। ये मैंने समझाया थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन जैसे आप उसमें मिडल नंबर चूज़ करेंगे, फिर पहले बड़े नंबर से माइनस करेंगे, फिर छोटे नंबर से माइनस करेंगे, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा, वजह बैठने के कैरी वगैरह ले ला के क्वेश्चन करने के। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी दो ऐसी ट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की जो आपको कॉम्पिटिशन लेवल में पक्के में काम आने वाली हैं, या फिर आ रही होंगी अगर आप अभी कॉम्पिटिशन लेवल में आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपको ये ट्रिक्स उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रिक्स हैं, या तो ये वाले जो पेज है जिसमें मैंने पूरी ट्रिक्स समझाई हैं, दो ये दो वाली ट्रिक्स का पेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं, इसे व्यू कर सकते हैं। कभी भी पूरी डाउनलोड और व्यू करने के इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन सारे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा। अब दोस्तों होप करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें कंटेंट है बहुत बढ़िया। होप करता हूँ आप हमारा चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखनी है, प्लीज़ फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल। और हाँ, जिन जिन लोगों ने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी है उनको थैंक्स है, और जिन जिन लोगों ने नहीं देखी उन्हें भी है, कंट्रीब्यूट तो सारी कर रहे हैं, सपोर्ट आपका मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से रिमाइंड दिला रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि आपको मिले मैथ्स ट्रिक्स, इंग्लिश ग्रामर और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड ट्रिक्स टिप्स। Thanks.